गुड मॉर्निंग भाइयों, तबीयत सब सबका ठीक है ना? तबीयत सब गड़बड़ होगा तो बोलना है, जहाँ तक होगा मैं हेल्प कर दूंगा। आज है फायर सेफ्टी, तो फायर है आग। आग का काम क्या है? आग का काम है खाना बनाना। पहले कोयला पर ट्रेन भी चलता था और पावर प्लांट भी, तो आग का सही से यूज करता है तो अच्छा बात है, और सही से यूज अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, वो आग लग जाएगा। तो आग जो है तीन चीज़ों से बनता है। ऑक्सीजन, वो हवा में रहता है। जलने वाला वस्तु, उसको ईंधन बोला जाता है। और जलाने वाला वस्तु, हीट, इग्निशन, माचिस, तब तीनों को प्रतिक्रिया करने से आग बनता है। ऑक्सीजन जो रहता है वायुमंडल में फिक्स रहता है। ऑक्सीजन है कि नहीं वायुमंडल में? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं क्या? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधा जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये कहाँ से आता है? ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन वातावरण में है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है। और वही ऑक्सीजन को पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उसी को सिलेंडर में डाला जाता है। वो दूसरा बात हो गया ईंधन। ईंधन वो हो गया जलने वाला वस्तु क्या है? तो जलने वाला वस्तु चार तरह का होता है। दो तरह का आता है, फ्लामेबल मटेरियल और कम्बस्टेबल। फ्लामेबल मटेरियल को ज्वलनशील पदार्थ बोला जाता है, जो आकर्षण द्वारा आग पकड़ता है। तो आकर्षण द्वारा आग क्या क्या पकड़ता है? गैस पकड़ता है, LPG पकड़ता है, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, पेंट, ये सब पकड़ता है। और एक वो मटेरियल होता है जो कम्बस्टेबल मटेरियल बोला जाता है, दहनशील पदार्थ, जो जलाने पर जलता है। जलाने पर क्या क्या सब जलता है? पेपर, कागज, लकड़ी, बूटा, प्लास्टिक, ये सब जलाने पर जलता है। तो ये फायर जो होता है, वस्तु जो होता है, चार तरह का होता है। आज चार तरह का आग पाया जाता है। तो चार तरह का हो गया, पेपर, प्लास्टिक, कूटा, ये हो गया, ये हो गया। बी में हो गया है पेट्रोल, डीजल, ये हो गया। सी में हो गया मेटेलिक आग आ जाता है, पोटेशियम, मैग्नेशियम आ जाता है। और लास्ट में आ जाता है इलेक्ट्रिकल आग आ जाता है। इलेक्ट्रिकल में आग कैसे लगता है? शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है। तो ये जो आग जो है, जो जैसे पढ़ा होगा त्रिभुज होता है, इसे करके त्रिभुज होता है। त्रिभुज में तीन कोण होता है, वही सबका कोण बताता है। एक में है जलने वाला वस्तु है, एक में है जलाने वाला वस्तु है, या एक में है ऑक्सीजन है। तीनों में से त्रिभुज का एक डंटा अगर हटा देगा तो त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा, वो सीधे कोण बन जाएगा। तो फायर में क्या है, तीनों में से ऑक्सीजन हो, हवा हो, या जलने वाला वस्तु हो, या जलाने वाला वस्तु, तीनों को अगर अलग कर देगा एक को, तो आग बुझ जाएगा। अब ये सवाल उठता है, जो आग बुझ तो जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरह का होता है? तो फायर आग बुझाने वाला उपकरण जो है वो भी चार पांच तरह का आता है। सबसे पहले तो पानी से बुझाया जाता है आग, लेकिन पानी और सोडा वाटर आता है, लेकिन वो आग को बुझाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल आग में पानी नहीं देना है। उसके बाद वो आता है फायर ब्लैंकेट, सेरामिक क्लॉथ बोला जाता है, उसको देखता है, स्पेक्टर गिरता है तो उसको लगा देता है, तो उससे भी आग रुक जाता है। तीसरा आता है ड्राई सैंड, जो हम लोग बालू रखते हैं, अगर कहीं आग लग जाए, अगर बालू ऊपर में दे देगा, क्या होगा? आग बुझ जाएगा। उसके बाद आता है DCP आता है, ड्राई केमिकल पाउडर आता है, वो छोटा सा आता है, वो सब में यूज कर सकता है। उसके बाद आता है CO2 आता है, वो CO2 जो यहाँ है, जिसको खोल, जितना खोलेगा उतना ही खुलेगा, बाकी रह जाएगा। CO2 का काम होता है बिजली में। उसके बाद आता है फोम टाइप का होता है, फोम टाइप का जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, वो कहीं तेल का आग लग जाए, तेल में अगर पानी एक जगह क्या हुआ था, तेल में आग लग गया, उसमें पानी दिया और चारों तरफ फैल गया, तो वो क्या होता है, फोम टाइप का होता है। वो फोम झाग से क्या करता है, वो ऑक्सीजन को बंद कर देता है। तो तीनों में से एक को हटाएगा तो आग बुझ जाएगा। जलने वाला भी वस्तु, जलाने वाला वस्तु, और जलाने वाला वस्तु में आता है माचिस आता है, लाइट आता है, स्पार्क जो करता है वो आता है, इस सब से आग लग जाता है। तो आग लगना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, हाउसकीपिंग करके पूरा मटेरियल को अगर हटा देगा तो आग लगेगा? तो आग नहीं लगेगा।
और दूसरा बात यह है जो आग लगाने में आदमी का ही लापरवाही होता है। आदमी के गड़बड़ी रहेगा तो आग लगेगा, गड़बड़ी नहीं होगा तो आग लगेगा नहीं लगेगा। जैसे घर में भी देखते हैं एलपीजी सिलेंडर आदमी रखता है, यहाँ भी मैं एक सेफ्टी को बताया था जो सिलेंडर में एलपीजी सिलेंडर में वो एक्सपायरी डेट रहता है लेकिन आदमी नहीं देखता है। एक्सपायरी डेट ये रहता है ए बी सी डी करके आता है एलपीजी सिलेंडर में, ए बी सी हो गया, ए हो गया, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टरली तीन तीन महीना पर वो देखा जाता है, और डी हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया। अगर डी होगा इसमें 24 होगा तो दिसंबर में एक्सपायर कर देगा, अगर ए होगा 25 में तो 25 में जन मार्च में वो एक्सपायर कर जाएगा। और गांव घर में देखते हैं उसमें भी एलपीजी में आग लग जाता है। आग लगने का कारण क्या होता है, जो भी हाउस पाइप लगाया जाता है वो पाइप पाइप के ऊपर में जुबली क्लैंप होता है, वो क्लैंप से उसको टाइट करना चाहिए। दूसरा बात है ये घर में अगर चूल्हा जलाता है तो चूल्हा को भी बंद करना चाहिए और रेगुलेटर को भी बंद करना चाहिए। अगर ऐसा बंद नहीं करेगा तो आग लग जाएगा। एक आदमी हमारे गांव में भी आग लग गया, तो फैमिली को आग लग गया, एलपीजी खोल करके छोड़ दिया, पता नहीं था। उसका हस्बैंड क्या किया तो सिगरेट पीते पीते उसमें गया, गया कि पूरा तो वो गेटे पर था और उसका वाइफ को तो आग पूरा लग गया। जब ये पूरा एलपीजी फैल गया महक रहा था वो भी तो पता रहना चाहिए। उसको जो बचाने गया तो उसको भी लग गया, अब कैसे नहीं बचाएगा, फैमिली है तो बचाना जरूरी है। लेकिन दोनों थोड़ा बहुत जल गया लेकिन बच गया। तो आग में लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। और आग का बुझाने का नियम है, विधि क्या है, विधि है जो अगर कहीं आग लग जाए तो आग लग जाए तो सबसे पहले तो हल्ला गुल्ला नहीं करना है, हल्ला गुल्ला से भगदड़ मच के और गड़बड़ी होता है। जलने वाला वस्तु को हटा दे, अगर बहुत लकड़ी में आग लग जाए फैला हुआ है तो बगल वाला लकड़ी सब हटा दे, एक तरीका है। नहीं तो उसमें पानी मार दे, ठंडा कर दे तो भी आग बुझ जाएगा। और अगर डब्बा सब में आग लग जाए, कहीं डब्बा में सामान हो या एलपीजी के रेगुलेटर में आग लग जाए तो कपड़ा भिंगा करके उसको बंद कर देगा तो आग तुरंत बुझ जाएगा। तो और अब बुझाने का और एक तरीका बताया जाता है, उसको पास मेथड बोला जाता है, PASS, वो फायर एक्सटिंग्विशर जो लेंगे तो उसमें दे रहे, पी का मतलब है पुल द पिन, पिन को खींचो, एम ऑफ द फायर ए का मतलब है तो उसको सो एम बनाना है, और उसके हॉर्स पर PASS, एस का मतलब है स्विच द हैंडल, हैंडल को पकड़िए, और स्वीप द हैंडल या साइड टू साइड उसको एक तरफ से मारना चालू कीजिए तो वो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। और एक जगह और क्या हुआ था, SCO2 में आग जो लग गया वो खोल रहा था रेगुलेटर, रेगुलेटर खोलते वक्त क्या है हल्का फल्का लीक कर जाता है इधर उधर, कोई उधर से क्या किया, ग्राइंडिंग मशीन चला रहा था, आग लग गया। अब लग गया तो वो इतना आग का धुआं दे रहा है, लौ दे रहा है, तब जाकर के मैं भी गया तो, लेकिन वहां क्या था रिलायंस प्रोजेक्ट में सब बोरी भिगा करके रखता था, तो हम बोले कुछ ऐसा करो, सुनो बोली उठाओ इसको जल जाए, अभी कुछ नहीं होगा, ऐसे करके सटाया, आग बुझ गया। तो आग लगना नहीं चाहिए और घर में भी नहीं लगना चाहिए, या अपना काम करते हैं वहां भी तो आग को प्रत्येक जगह सही तरीका से काम करना है और सही तरीका से उसको देखना है, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट से बचाने के लिए इतना व्यवस्था किया जाता है लेकिन आदमी के गड़बड़ी के कारण सब कुछ होता है। ठीक है, थैंक यू, जय सुरक्षा।